आपके भी व्हाट्सएप में स्टेटस की जगह पर अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो उसे कैसे हटा सकते हैं, ये क्या है। आपके भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो स्टेटस पर क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, स्टेटस का ऑप्शन वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अपडेट वाला में ही आपको स्टेटस शो हो रहा है तो क्या आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक है, क्या ये है और इसके फ़ायदे क्या है और इसे आप कैसे हटा सकते हैं, स्टेटस वाला ऑप्शन जो पुराना वाला था उसे कैसे ला सकते हैं, इस वीडियो में सारा कुछ जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आप जानना चाहते हैं कि अपडेट वाला ऑप्शन क्या है और इसे कैसे हटाएं और चैनल वाला ऑप्शन क्या है और इसे कैसे हटाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों मैं अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन यहां पर ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद देखिए यहां पर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, एक तो पहला आपका चैट खुल के आएगा कुछ इस तरीके का जो अपडेट हो गया होगा, तो उसके बाद यहाँ पर एक अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा होगा नीचे की तरफ में, तो अपडेट पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर में आपका यहाँ पर स्टेटस दिखाई देगा और नीचे में एक चैनल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये है क्या, देखिए व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है, नया अपडेट आया है, नया ऑप्शन आया है, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी किसी को नहीं मिला है, धीरे धीरे सभी फ़ोन में मिल जाएंगे, सभी यूजर को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक नया अपडेट है, आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे भी हमें बताऊंगा कि आप कैसे हटा सकते हैं। ये है क्या ये जान लीजिए सबसे पहले। देखिए जैसे टेलीग्राम पर चैनल होता है उसी तरीका से यहाँ पर भी चैनल है, यूट्यूब पर जैसे चैनल होता है यहाँ भी एक नया फीचर लाया गया है चैनल, ठीक है। अब ये है क्या, ये उन्हीं लोग को मिलेगा जो जिनका अकाउंट वेरीफाई है, जो अपने सोशल मीडिया पर फेमस है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, आपके लिए हर यूज़र के लिए नहीं है। आप इसे हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और देखिए यहाँ पर आपका स्टेटस ऊपर दिख जाएगा। अब हटाना चाहते हैं इसे तो आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है, ठीक है। आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा इसे हटाना चाहते हैं तो। सबसे पहले उसका चैट ब्रेकअप कर लीजिएगा, आपको डिटेल में एक वीडियो बना दिया हूँ, आपको आई बटन पर दे दूँगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ना, तो मैं बता दिया हूँ उसमें स्टेप बाई स्टेप कि कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं अपडेट वाला ऑप्शन और चैनल वाला। तो मैं बता दे रहा हूँ सिंपल तरीका से, आप उसका व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाकर चैट ब्रेकअप कर लीजिएगा, उसे डिलीट कर दीजिएगा जो व्हाट्सएप आपके वहाँ पर प्ले स्टोर से जो डाउनलोड है या अपडेट है, ठीक है। उसके बाद क्रोम ब्राउजर में आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन लिखकर सर्च कीजिएगा कोई भी वेबसाइट खोल कर, वहाँ से आप जाकर ओल्ड वर्जन डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बनाकर चैट ब्रेकअप कर लीजिएगा कि आप वहां पर अपना अकाउंट बनाकर चैट ब्रेकअप कर लीजिएगा। डिटेल में वीडियो देखना है तो आपको डिप्लीकेशन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि कैसे हटा सकते हैं। एक नया अपडेट आया है आपका, ना आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ है, ना आपका व्हाट्सएप आईडी हैक हुआ है, आप व्हाट्सएप अकाउंट हैक नहीं हुआ है दोस्तों, एक नया अपडेट आया है। तो दोस्तों आप इसे हटाना चाहते हैं तो उस तरीके से हटा लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।